हेलो एवरीवन, मैं हूं लुबना तनवीर और टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था रॉस्को पाउंड के बारे में, सोशियोलॉजिकल स्कूल में समाजशास्त्रीय विचारधारा में रॉस्को पाउंड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इहरिंग के बारे में, जिनका पूरा नाम है रुडोल्फ वॉन इहरिंग। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ज्यूरिस्ट रहे हैं सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के, तो आज इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि मैम हिंदी में वीडियो बनाइए, हिंदी में वीडियो बनाइए, तो मेरे सारे वीडियोस ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में होते हैं, बायलिंगुअल होते हैं, जिसमें मैं हिंदी में भी चीजों को लिखती हूँ और इंग्लिश में भी लिखती हूँ, और जब समझाती हूँ तो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाती हूँ। तो प्लीज अगर आप ध्यान से वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं हिंदी भी यूज कर रही हूँ अपने वीडियो में और इंग्लिश भी, दोनों ही। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इहरिंग की थ्योरी को। तो इहरिंग की अगर हम बात करें तो इहरिंग जो है उनकी थ्योरी को ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है, मतलब हितों का विधि शास्त्र। ठीक है, इन्होंने एक इंटरेस्ट की बात की है। ठीक है, इंटरेस्ट, अच्छा मैं बता दूं, इहरिंग जो थे उन्होंने इंटरेस्ट की बात की थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की थी, और इसी थ्योरी से इंस्पायर हुए थे रॉस्को पाउंड जो थे सोशियोलॉजिकल स्कूल के, वो इसी इन्हीं की थ्योरी से, इहरिंग की थ्योरी से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी इंटरेस्ट वाली थ्योरी दी थी। तो पहले इंटरेस्ट की बात जो की थी वो इहरिंग ने ही की थी, इसीलिए इनकी थ्योरी को ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और इनको नाम दिया गया है फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, मतलब कि आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारधारा का जनक भी माना गया है किसको, इहरिंग को। ठीक है, आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारधारा का जनक, ये जो नाम दिया है किसने दिया है, ये फ्रीडमैन ने दिया है। ठीक है, फ्रीडमैन ने ये नाम दिया है और उन्होंने कहा कि इहरिंग जो है वो मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के फादर है। ठीक है, और सोशियोलॉजिकल, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के फादर मैंने आपको बताया था पिछली बार कि कौन है, वो है रॉस्को पाउंड, और मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के फादर कौन है, वो है इहरिंग, मतलब कि समाजशास्त्री, आधुनिक समाजशास्त्री विचारधारा के जनक। ठीक है, और नाम जो दिया है वो फ्रीडमैन ने दिया है। अब अगर हम इस इहरिंग की थ्योरी की बात करें तो इहरिंग की जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं बेंथम से इंस्पायर्ड है। ठीक है, बेंथम के बारे में हमने पढ़ा था कि बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत दिया है, इंडिविजुअल यूटिलिटेरियनिज्म की बात की थी बेंथम ने। ठीक है, लेकिन इहरिंग भी उस चीज को मानते हैं, यूटिलिटी की जो थ्योरी है, पेन एंड प्लेजर, सुख और दुख की जो थ्योरी थी जो बेंथम ने दी थी, उसी उस पेन एंड प्लेजर को इहरिंग भी मानते हैं, लेकिन वो सोशल यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, मतलब सामाजिक उपयोगितावादी सिद्धांत जो है वो इहरिंग ने दिया है। ठीक है, सोशल इंटरेस्ट और सोशल यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं। कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी जो है वो बेंथम से इंस्पायर्ड है, लेकिन इन्होंने बेंथम की थ्योरी की आलोचना भी की है, ऑस्टिन की थ्योरी की भी आलोचना इन्होंने की है, और इन्होंने सोशल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दी है इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे, क्योंकि बेंथम जो थे वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पेन एंड प्लेजर ही डिसाइड करता है एक इंडिविजुअल के लाइफ में कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इहरिंग ने क्या कहा, इहरिंग ने, क्योंकि वो सोशियोलॉजिकल विचारधारा का समर्थन करते थे तो उन्होंने सोसाइटी, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है लॉ का उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोशल यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी दी, मतलब सामाजिक उपयोगितावादी का, उपयोगितावाद का सिद्धांत उन्होंने दिया। और आइए इसको समझते हैं कि सोशल यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी क्या होती है। जैसे कि उन्होंने दो इंटरेस्ट की बात की, उन्होंने कहा इंडिविजुअल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हित, और सोशल इंटरेस्ट मतलब सामाजिक हित। दो तरह के हित होते हैं और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उन्होंने दोनों की कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की है, और कहा है कि सामाजिक हित जो होता है, सोशल इंटरेस्ट जो होता है, उसे प्रायोरिटी मिलना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे, मतलब कि सामाजिक हित को व्यक्तिगत हित पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं। अब सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित को हम ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्राइम होता है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक क्राइम किया तो अब क्या है कि सामाजिक हित में, सोशल इंटरेस्ट में उस व्यक्ति को, उस पर्सन को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसका ट्रायल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो भी होता है, और उसके बाद उसे, अगर उसने वो काम किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में
ऐसे इंसान का रहना सही नहीं है और एक तरह का ये डेटरेंट भी क्रिएट करता है सोसाइटी में। अगर किसी को सजा मिलती है तो दूसरे लोग उसे देख के सोचते हैं कि उसे सजा मिल रही है तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो लॉ का पर्पस यही होता है कि सोसाइटी के इंटरेस्ट को देखते हुए किसी को अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है तो उसे सजा देना, लेकिन उसका उस पर्सन का जिसने वो काम किया है, जिसने क्राइम किया, उसका कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर इंसान का राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी होता है। आप उस लिबर्टी को कर्टेल कर रहे हैं, उस इंसान को जेल में डाल रहे हैं, तो वो उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं, जिसका व्यक्तिगत हित है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, कर्टेल हो रहा है। तो उसी चीज को यहाँ पे एहरिंग कहते हैं कि सामाजिक जो हित है उसको हमेशा प्राथमिकता मिलनी चाहिए, सोसाइटल इंटरेस्ट को हमेशा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो इसी की बात करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि लॉ का जो है कोअर्सिव नेचर की भी बात करते हैं, कि मतलब पनिशमेंट के थ्रू सोशल जो इंटरेस्ट है, अगर उसका प्रोटेक्शन आपको करना है तो वो पनिशमेंट के थ्रू भी हो सकता है, और उसको सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि लॉ इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। क्या कहते हैं वो, कि विधि जो है, विधि निरंतर संघर्ष का परिणाम है। ठीक है, कि लॉ जो है वो कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है। ठीक है, निरंतर एक संघर्ष चल रहा है। संघर्ष कौन सा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंटरेस्ट का। ठीक है, कौन से हितों का संघर्ष चल रहा है, मतलब कि इंडिविजुअल और सोसाइटी में, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोसाइटल इंटरेस्ट में एक संघर्ष चल रहा है, और लॉ जो है वो उसी का परिणाम है। लॉ जो है उसी कॉन्स्टेंट स्ट्रगल का जो है वो रिजल्ट है। ठीक है, फिर वो आगे कहते हैं लॉ इज टू सर्व अ सोशल पर्पस। मतलब कि विधि का काम क्या होना चाहिए, विधि का काम होना चाहिए सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति। मतलब जो सोशल पर्पस है, सोशियोलॉजिकल पर्पस जो है, उसी को लॉ का काम यही होना चाहिए कि वो उसको सर्व करे, उसी उद्देश्य की पूर्ति करे। ठीक है, लॉ इज टू सर्व अ सोशल पर्पस। ठीक है, ये बात कहते हैं। ये पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि किसने कहा है लॉ इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल या लॉ इज टू सर्व अ सोशल पर्पस। तो इसलिए हमें ये याद होना चाहिए कि एहरिंग ये कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि लॉ अलोन इज नॉट अ मीन्स टू कंट्रोल द सोसाइटी। मतलब कि लॉ, विधि जो है वो ही एकमात्र साधन नहीं है सोसाइटी में, समाज में नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, लॉ को ही एकमात्र साधन नहीं बताया है एहरिंग ने। एहरिंग ने कहा है कि अदर कंडीशंस भी होती हैं, कुछ और कंडीशन, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन, कुछ टोपोग्राफी, कुछ होती है जो कि कुछ चीजों को कंट्रोल करती है विदाउट लॉ का इंटरवेंशन। तो उन्होंने यही कहा है कि लॉ अलोन इज नॉट अ मीन्स टू कंट्रोल द सोसाइटी। लॉ जो है, विधि जो है, वो ही एकमात्र साधन नहीं है सोसाइटी में कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फिर भी वो सोशल पर्पस की बात करते हैं और सोसाइटल इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को उतनी प्राथमिकता नहीं देते, वो सोसाइटल इंटरेस्ट को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। और उनकी ये थ्योरी थी। और अगर बुक्स की बात करें तो उनके तीन इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसमें पहला है द स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ, दूसरा है द स्ट्रगल ऑफ लॉ, और तीसरा है लॉ एज अ मीन्स टू एन एंड। ठीक है, ये तीनों एहरिंग की बुक्स थी, स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ, द स्ट्रगल ऑफ लॉ, लॉ एज अ मीन्स टू एन एंड। ठीक है, बाकी ये थ्योरी थी। फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस कहते हैं, आधुनिक समाजशास्त्री विचारधारा का जनक। सोशल यूटिलिटेरियनिज्म की उन्होंने थ्योरी दी। सोशल इंटरेस्ट की बात करते हैं, कहते हैं सोशल इंटरेस्ट जो है, सामाजिक हित जो है, उसको व्यक्तिगत हित पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और कहते हैं लॉ इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, विधि जो है निरंतर संघर्ष का परिणाम है। और कहते हैं लॉ इज टू सर्व अ सोशल पर्पस, मतलब लॉ का काम क्या होना चाहिए, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करना। और इनकी थ्योरी की काफी आलोचना भी की गई थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सोसाइटी में, इंडिविजुअल और सोशल इंटरेस्ट में, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं बताते। बहुत सारे जूरिस्ट कहते हैं कि एहरिंग प्रॉब्लम को तो डिफाइन करते हैं लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं बताते हैं। ठीक है, इसलिए उनकी थ्योरी की काफी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उनकी थ्योरी सोशियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं की थ्योरी से इंस्पायर होके रॉस्को पाउंड ने अपनी थ्योरी दी थी। रॉस्को पाउंड ने जो इंटरेस्ट वाली थ्योरी दी थी वो इनकी एहरिंग की थ्योरी से ही इंस्पायर होके दी थी। तो इनकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक समाजशास्त्रीय विचारधारा में भी और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी। ठीक है, आज मुझे आपके साथ यही डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच।